सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बताती हूँ कि भगवान शिव की कृपा से ही भगवान शिव का कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कैसे पूजा करनी चाहिए, जिससे आप लोगों की रक्षा का भार बारी बारंबार स्वयं ही उत्पन्न हो। प्रा जो है वो प्रकृति, उसी से बनी है, प्रा नाम से प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने के लिए एक तरह का नाव है, इसलिए इस ओंकार के को प्रणव की संख्या देते हैं, ओम को प्रणव के नाम से जानते हैं। तो सभी उपासकों को बलपूर्वक ये ओम जो होता है वो मोक्ष तक पहुंचा देता है। अगर आप ओम का जाप करते हो तो योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। इन माया रहित महेश्वर को ही नया कहते हैं, यही पर हर दिन नए होते रहते हैं, ये नवीन है, ये नूतन है, ये परमात्मा प्रकृष्ट रूप से शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए इन्हें नूतन कहते हैं और ये प्रणव भी कहलाते हैं। प्रणव साधक को नवीन बना देता है, मतलब शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए ये परमात्मा ज्ञान प्रकट करने वाला होता है, इसलिए इस प्रणव का निरंतर जाप करना चाहिए। जीवन मुक्त पुरुष के लिए, जिसको जीवन में मुक्ति की चाहत हो, उसके लिए प्रणव के जप का विधान है, उसी के लिए समस्त प्रकार के साधनों का भी है, क्योंकि वो सिद्ध रूप है। दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, वो अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मतलब ओम मंत्र का जाप और उसके परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहे, अर्थात परमात्म तत्व को जानता रहे। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, ये सुनिश्चित बात है। अर्थ का संधान ना करके, मतलब अर्थ को ना जान करके जो मंत्र का जाप करता है उसे भी बहुत लाभ होता है, उसे योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया हो ओम के, उसे अवश्य योग प्राप्त हो जाता है। इस ओम को जानने से, ओम को जपने से, ओम तीन तत्वों से युक्त होता है, इसको जानने से और इसको जपने से। अगर ये संख्या पूर्ण हो जाती है 36 करोड़ तो वो व्यक्ति योगी के समान हो जाता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उसके लिए प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक होता है। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ का जप करने से वो पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है, यानी उसको सिद्धियां मिलने लगती हैं। कभी कभी सुना होगा ना कि फलाने ऋषि मुनि हैं वो धरती के ऊपर से चल लेते हैं और क्या बोलते हैं, जल में नहीं उनका पैर पड़ता, पृथ्वी पर उनका पैर नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें भी इस मंत्र के जप से प्राप्त हो जाती हैं। तो जो 9 करोड़ का जप कर लेता है वो पृथ्वी तत्व पर फिर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बाद पुनः 9 करोड़ का जप करके वो जल तत्व को जीत लेता है, फिर 9 करोड़ का जप करके अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके वो वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है, 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार 9-9 करोड़ का जप करके वो क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है, इसके बाद फिर भी 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ ओम का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष का मतलब व्यक्ति शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। सदा ओम का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। समाधि में स्थित हुए योगी पुरुष को साक्षात शिव ही के समान हो जाता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता का न्यास करना चाहिए, फिर जप आरंभ करना चाहिए।
और इस तरह ज़्यादा आपको विधियाँ नहीं भी पता है, लेकिन परंतु आपने एक समय बना रखा है और उस समय आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अगर आप प्रणव का जाप करते हो तो स्थूल प्रणव का जब भी अभीष्ट साधकों को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान कर देता है, जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार किया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वो क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, मतलब जो भोजन अभक्ष है उसका वो नहीं करता है, फलाहार पे रहता है, बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है, मन को वश में रखता है, दूसरों से द्रोह नहीं करता, वो तपोयोगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, वो शुद्ध होकर सालोक के क्रम से उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसे सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, सालोक की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र के जप से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही उसका जप करना चाहिए, अर्थात ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को महीने के पूर्व पक्ष में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करें और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करें। माघ और भादों के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं, इस समय ये बहुत ही उत्तम माना गया है। साधकों को चाहिए प्रतिदिन एक बार कम भोजन खा करके माता पिता की सेवा करते हुए सभी सद्गुणों को अपनाते हुए इस मंत्र का जाप करें, तो ये मंत्र जाप आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन भर अगर इसका पाठ करता रहता है और जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध और सुंदर स्थान में स्वच्छ होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे, उसके पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ हों, शिव भक्त भी हों, उनको भोजन कराए, इनके अतिरिक्त एक आचार्य का भी वरण करे, उन्हें साम सदाशिव का स्वरूप समझे, और इन 5ों को भोजन आदि कराकर और दान आदि देकर अगर प्रसन्न कर लिया जाता है तो शिव की पूजा संपन्न करके होम किया जाए अगर, तो ये अनंत सिद्धियां देने वाला होता है। ऐसा माना जाता है। उसके बाद फिर आप इस मंत्र को, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है और इसमें जो है आपने बहुत लंबा समय लगा दिया है इसको करने में, ये उन लोगों के लिए है जो योग आदि की राह पर जाना चाहते हैं, जो तपोयोगी बनना चाहते हैं, क्रिया योगी बनना चाहते हैं, या जो मुक्ति की कामना रखते हैं, ये पूजा उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही आसान है। इनको करने से आपको घर ही में बैठकर आप इनको करते रह सकते हो। ओम का जप अत्यंत छोटा शब्द होने के कारण ये बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है और गिनती इसकी सुनने में लंबी लगती है, लेकिन होती नहीं है एक्चुअल में ये लंबी, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है, इसको अर्थ बहुत बड़े हैं इसके, क्योंकि ये इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश होता है। अगर आप इन सबको करके और इन ब्राह्मणों को भोजन आदि करा के कर लेते हो तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो गया है। अब आप जिस भी कार्य के लिए इसको करोगे तो वो ये कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। इसके बाद है लोकों का वर्णन। भगवान के जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हों, भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, वे कालचक्र को भी पार कर जाते हैं। कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उसके ऊपर वृषभ आकार में धर्म की स्थिति है, वो ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वो साक्षात शिवलोक के द्वार पे खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान हैं, वो वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं, विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है।
क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं वे कारण आदि में जानना चाहिए। उस क्रिया रूढ़ वृषभ पर चढ़कर धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर ना दिन है ना रात, वहाँ जन्म मरण आदि के भी नहीं होता है। इस तरह आप लोगों ने समझा कि जो ओम का जाप है उसको करने से किस प्रकार से आपके जीवन में तपस्या पूर्ण होती है और आपको लाभ मिलता है। ये उन योगियों के लिए है जो संसार से मुक्ति चाहते हैं, जो योग में तत्पर रहना चाहते हैं, जिनके जीवन में सब तरफ सुख संतोष है और वो सिर्फ अपने आत्मकल्याण आत्ममुक्ति के लिए इस चीज़ को करना चाह रहे हैं। आजकल बहुत से वीडियो में आप सुन रहे होंगे समय बदलने वाला है, भगवान कल की धरती पर आने वाले हैं, प्रलय आने वाली है, तो इन सब सारी वीडियो को सुनकर आपके मन में डर और भय जो बैठ रहा होगा उन सब के निवारण के लिए इस मंत्र के जाप को आप करिए। आप ये समझिए कि आप भगवान शिव के साक्षात नज़दीकी जा रहे हैं इसके जप के उससे, और जब प्रभु आपके साथ हैं तो आपको डरने की किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस मंत्र के जाप को करने से आत्मा स्वयं शुद्ध होने लगती है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो मनुष्य के ऊपर जो पाप का चोला चढ़ा होता है वो उतर जाता है, मनुष्य के सारे पाप जो हैं वो जलने लग जाते हैं, और जब पाप जल जाते हैं तो मनुष्य निर्भय हो जाता है। कहीं ना कहीं जब पाप मन में रहता है तभी इंसान को डर लगता है, निर्भयता नहीं आती, और एक बार निर्भयता आ जाएगी आपके अंदर तो फिर आपको इस धरती पर कोई भी चीज़ तक दुख नहीं दे पाएगी। उतना परिस्थिति ज़रूर पड़ती है लेकिन उस परिस्थिति में आप उस संभल कर बच कर निकल लोगे, अच्छे से उसको हैंडल कर लोगे। तो इसके लिए ये जब आप करते रहें इससे आपको बेनिफिट होगा बहुत, और आपको कुछ फ़ायदा हो इसको करने से तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बनाने का मोटिवेशन बना रहे। ओम नमः शिवाय।